एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग कार्डबोर्ड से पॉपअप आर्ट बनाना सीखेंगे। पॉपअप पेंटिंग कैसे की जाती है वो चीज़ सीखेंगे। इसमें हमें कार्डबोर्ड चाहिए होगा और हमें न्यूज़पेपर के कटआउट पीसेस चाहिए होंगे और कुछ कलर चाहिए होंगे, रेड, येलो, ब्राउन एंड ब्लैक। ये मुझे चार कलर चाहिए होंगे और हमें फेविकोल चाहिए होगा बस। बाकी आपके सामने ये पेंसिल रखी हुई, नाइफ, ब्रशेज दो रखे मेरे पास, इस तरह के ब्रशेज चाहिए इस साइज़ के। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें कार्डबोर्ड का दीजिए, कार्डबोर्ड एक प्रॉपर पेंटिंग करें तो उसके लिए लगभग इतना बड़ा कार्डबोर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मैंने फेविकोल और वाटर का घोल है इसको मैंने बोर्ड पर लगाया और जो मैंने जो कटआउट से इनकी पेस्टिंग करना चालू की। देखिए ऐसे आप पूरे कार्डबोर्ड में से ग्लू लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपका ये ग्लू सूखेगा नहीं, अब सारे पीसेस का यूज आराम से हो जाएगा। देखिए इसके ऊपर मैं ग्लू इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। देखिए कुछ पीछे उठे हुए हैं, उनको अच्छे से कर दीजिएगा ग्लू से, अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। देखिए पूरा इसको कार्डबोर्ड को फिल कर देंगे। वी गो, ये देखिए पूरा मैंने इसको न्यूज़पेपर से कवर कर रखा है पूरे स्ट्राइप से, फेविकोल वाटर के घोल से उसको पूरा स्टेप करके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा चिपका दिया है। इसको सूखने में करीब आधा घंटा लगेगा तो मैंने इसको पूरा सुखा के रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड की ये मैंने काट करके रखी थी, ये देखिए स्ट्राइप्स ऐसे। ये कार्डबोर्ड की स्ट्राइप्स मैंने इसलिए कट करके रखी हुई है इसका फ्रेम बनाने के लिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसको मैं बाद में पेश करूँगा, पहले अब क्या करते हैं इसमें, पहले मैं यहाँ पे एक रफली ड्राइंग बना लेता हूँ। इसमें हम पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं, ये देखिए ड्राइंग वो आपके ऊपर, आप जैसे चाहे वैसे बनाइए, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक रफली खाली लाइन ड्राइंग बना रहा हूँ, उसमें मैं अभी आपने कलर से फिल करूँगा। इसको मैं बाद में कलर से फिल करूँगा, ये देखिए यहाँ पे एक मैं ट्री बना रहा हूँ। देखिए ऐसे ये ब्रांचेज होगी ट्री की, और सिंगल इसको आप चाहते हो मल्टीपल कलर से करिए, पर ये सिंगल कलर में ज़्यादा बेटर लगता है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर मैंने घोल के रखा हुआ है, ब्लैक कलर से इसको हम फिल कर देंगे। इसको अच्छे से ऐसे ये पूरा कवर अप कर देंगे जो मैंने ड्राइंग बनाई थी।
अच्छे से पूरा फिल करना है। ये ऐसे पूरी में ब्रांचेस ऐसे इसको कवर अप करेंगे पूरा ब्रांचेस से। अभी जहाँ से जितनी जितनी मैंने ब्रांचें बनाई हैं अब इसमें ब्रश से ही ऐसे ये देखिए लीफ के बफो बनाएंगे ऐसे। सिंगल रूलर इसलिए इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर पे हमारा बैकग्राउंड एक तरह देखा जाए वाइट है और ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा निकल के आएगा बाहर। देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने कुछ ग्रास के स्ट्रोक्स दिखाए ऐसे। अब एक मैं यहाँ पे इस तरह से शैडो वाला पूरा फिगर बनाता हूँ ऐसे। बैक पोर्शन बनाएंगे, बैक पोर्शन कुछ नहीं बहुत इजी है, ये केवल फॉर्म है बस और कोई डिटेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल फॉर्म है, बस वो खाली आपको फॉर्म रेडी करनी है। फॉर्म इजी वे में बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ बर्ड्स की शैडो बनाएंगे और दूसरी जगह भी इसके लिए थोड़ा पतला वाला ब्रश यूज़ कर रहे हैं कि जो चीज़ें बने शार्प बने और अच्छी बने। कैसे यहाँ पर मैं खाली बर्ड की फॉर्म बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये और शार्प कर देते हैं जिससे और अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से अभी देखिए ये अभी इतना कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। देखिए ऐसे रेडी हुआ है, इसे पूरा ब्लैक कलर इसलिए लगाया है। अभी देखिए यहाँ ब्लैक लगा हुआ है, चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा टच देने के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे फ्रेम भी पेस्ट करना है, इसलिए मैं वो पोर्शन में ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, रफली बिल्कुल ब्रश चला रहा हूँ, है ना। देखिए
इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया है। अभी जो मेरे यहाँ पे शीट्स थी इसको आप चाहे तो फेविकोल से चिपका लीजिए। ये आपको मैं चीज़ें जल्दी बता सकूँ इसके लिए यहाँ पे मैं बॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपका फेविकोल होता है उसी तरह से एक बॉन्ड आता है, वहाँ पर मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। भाई देखिए कैसे पेस्ट करना है, ये देखिए आप पहले छोटे वाले पार्ट्स चिपकाएंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पे रखा, देखिए यहाँ पे पूरा रखा इसको अच्छे से। तुरंत बस तुरंत खाली आपको जगह पर रखना है बिल्कुल सेट करके, ये आपका अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से तो पेस्ट करना है बस। देखिए ये आपका पेस्ट हो गया इधर का, तो सेम ऐसे ही उधर का भी। इसको देखिए यहाँ पे ऐसे ये रखा है, इसको तुरंत रखा जगह पे सेट किया बस। बाद में इसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा बॉन्ड हमारा अच्छे से टेस्ट हो जाए, ठीक है। और सेम ये चीज़ इधर देखिए इसके कॉर्नर्स में आप लगा दीजिए चाहे तो, पहले आप ज़रा सही रहेगा। इसको वहाँ पे बस सेट करना है आपको कॉर्नर्स में अपने जो आपने बनाया है, ये अच्छे से 2 मिनट के लिए प्रेस करके रखना है बस। बहुत ही अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। इसको हम ये कार्डबोर्ड की जो आपकी बाउंड्रीज हैं इसको मैं कलर नहीं करूँगा, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। देखिए अब ऐसे इसका अलग लुक अच्छा दे रहा है ऐसे ही। ठीक है ये हमारी पूरी इस तरह से पूरी फोटो फ्रेम पूरी रेडी हुआ है देखिए है। अब इसके बाद इसमें करना क्या है आपको, यदि आपका ये हो गया है अब इसके बाद आपने चाहे तो पीछे आप थ्रेड बांध दीजिए, ठीक है। थ्रेड बांध लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट हो गया है। अब आप चाहें तो उसके बॉर्डर में आप तो जो डेकोरेशन का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको ऐसे ही रखिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि पूरा वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है। ताकि देखिए पूरी पॉपअप पेंटिंग रेडी। पॉपअप पेंटिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पेपर को कट पीसेस लगाए जाते हैं, बाद में इसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। और इसमें ज़्यादातर पेंटिंग आपकी ब्लैक एंड वाइट या सिंगल कलर से की जाती है, कोई भी कलर कोई कंपलसरी नहीं है। आपका ब्लैक ही कलर यूज़ कीजिए, आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कलर यूज़ कर, बट हाँ इसमें कंट्रास्टी कलर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए, आगे क्लास में पेपर से कोई और अच्छा आपको बताने की कोशिश करूँगा।